हेलो स्टूडेंट्स, अपनी बात चल रही थी 11th क्लास के टॉपिक स्ट्रेट लाइन के बारे में। अपन ने कल कुछ बेसिक के बारे में देखे थे, आज भी हम कुछ बात करेंगे बेसिक के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन कल देखे थे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बात की थी। अगर अपने पास मैं सेक्शन की फॉर्मूले की बात करूं, तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने बताया था, एक तो इंटरनल डिवीजन का होता है, एक सेकंड होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो मैंने दोनों की फॉर्मूले की बात की थी। अपने पास मैंने इसकी बात की, अपने पास एक पॉइंट है पी एक्स वन और वाई वन, अपने पास सेकेंड के क्यू एक्स टू एंड वाई टू था। इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है कहीं पे भी, एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों जो पॉइंट्स हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैंने माना यहाँ पे कोई पॉइंट, ये मान लो आर है, ये एक्स एंड वाई था। मैंने ये आर पॉइंट है वो पी और क्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। किस रेशियो में करता है? मैंने माना था एम वन रेशियो एम टू में डिवाइड करता है। इंटरनली के लिए माना था, मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली थी। एक्स इक्वल क्या था अपने पास? एक्स इक्वल था एम वन एक्स टू प्लस एम टू, एक्स वन अपॉन एम वन प्लस के एम टू। सेकेंड वाई था, वाई इक्वल था एम वन वाई टू प्लस के एम टू, वाई वन अपॉन एम वन प्लस के एम टू। ये था बेटा, ये अपने पास दो तीन चीज़ें थी। अब इस पर जो क्वेश्चन थे वह अपन को ये करने हैं। क्वेश्चन अपने पास नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में कि अपन को अपने पास एक दो तीन और चार, चार अपने पास वैल्यूज़ हैं। इन फोर वैल्यूज़ में से अपन को थ्री वैल्यूज़ देगा और फोर नंबर की वैल्यूज़ को ही पूछ लेगा। जैसे मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, अपन को रेशियो पूछते हैं कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अपन को मान लो रेशियो दे दिया, ये कोऑर्डिनेट दे दिया, ये कोऑर्डिनेट दे दिया, ये पूछना है, सीधा निकाल सकते हैं। अपन को दे दो मान लो ये बीच वाला जो पॉइंट दे दिया, ये कोऑर्डिनेट दे दिया और ये कोऑर्डिनेट दे दिया, या मान लो रेशियो दे दिया, अपन को सेकंड वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन सर थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये देता और ये देगा, अपन को जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो अपना, वो क्या बनेगा देखो कि मान लो ये अपने पास एक लाइन है, ये पी एक्स वन और वाई वन है, ये क्यू है एक्स टू एंड वाई टू है। आप देखो इन दो पॉइंट्स हैं, इनको एक ऐसा पॉइंट होगा, ये एक ऐसी लाइन होगी, या ऐसा मान लो ये पॉइंट है आर, ये एक्स एक्स पे क्या कर रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। किस पे? एक्स एंड एक्स पे, एक्स एक्सिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट मान लो मैंने आर माना है, ये पॉइंट पी और क्यू को एक्स एक्सिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है अपन को फाइंड करना है, किस रेशियो में कर रहा है अपन को फाइंड करना है। तब देखो अपन कैसे निकालते हैं, मैं इसको लैम्ब्डा मानता हूँ, रेशियो वन मानता हूँ या के रेशियो वन मानता हूँ, जैसे मानता हूँ अपन करते हैं। अपन ने 10th क्लास में ये चीज़ सीख ली थी, अपन को इस अब भी आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट बताता हूँ आपको, शॉर्ट में कैसे करें इसको। अगर ऐसा आ जाए, एक्स एक्सिस की बात आ जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो नोट में लिख लेना, अगर एक्स एक्सिस की बात आ जाए तब आपको वाई की वाई का मान यूज़ करना है, वाई वन और वाई टू यूज़ करना है। अपन को ऐसे करना है, वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, माइनस के वाई वाई वन अपॉन वाई टू ऐसे करना है, सीधा इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस के वाई वन अपॉन वाई टू। देखो वाई वन की वैल्यू जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये मान लो टू एंड थ्री दे दिया, ये मान लो वन एंड माइनस के टू दे दिया, और अपन को बोला एक्स एक्सिस पे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस पे किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अपन को सीधा ऐसे निकालना है, y1 वन माइनस के वाई टू अपन वाई वन सॉरी माइनस के वाई वन अपन वाई टू। तो आप किसे करोगे, माइनस का साइन है, y1 की वैल्यू कितनी है टू थ्री अपन वाई टू कितना माइनस के टू है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो किस रेशियो में, थ्री रेशियो टू में, थ्री अपन टू आया तो थ्री रेशियो टू में डिवाइड करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से। देखो अपन को एग्जाम में अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में करना, तब इसको ऐसे शॉर्ट में करना है, ऐसे शॉर्ट में अपन कर सकते हैं। जैसे अपन अब फुल में कैसे करेंगे, अपन लॉन्ग ट्रिक से कैसे करेंगे, अपन जैसे मान लो अपने को ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये इसको लॉन्ग से करके दिखाता हूँ। अपन को ऐसे दे दिया, ये एक्स एक्सिस पे ये टू पॉइंट से टू और थ्री, वन एंड माइनस टू, और एक्स एक्सिस पे किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये तो बोल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू कुछ होगी, वाई की वैल्यू जीरो होगी। तो यानी एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स है, वाई की वैल्यू जीरो है,
ये होगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स की वैल्यू कुछ होगी, वाई की वैल्यू जीरो है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, मानना लेमडा रेशियो वन पे कर रहा है, ठीक है बेटा। फॉर्मूला अपना क्या होता है, वही होता है जो फॉर्मूला होता है वो अपने यूज़ करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला अपने पास क्या था, एक्स इक्वल एम वन एक्स टू प्लस के एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस के एम टू, ये आप टेंथ क्लास में पढ़ चुके हो इस चीज़ को टेंथ क्लास में पढ़ चुके हो। शॉर्ट तरीके में करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस के वाई वन अपॉन वाई टू, कहने का मतलब वाई का ही मान यूज़ करना है, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कुछ होती है, वाई की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है ना। वाई इक्वल क्या होता है अपना एम वन वाई टू प्लस के एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ऐसा ही होता है। तो अपन को कहने का मतलब अगर एक्स एक्सिस की बात होती है वाई का मान ही यूज़ करना है, तो अपन यहाँ पे वाई वाली जो वाई इक्वल दे रखा है वाई इक्वल एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपन वाई वन प्लस एम टू, यही यूज़ करना है। जैसे अपन करके दिखाते हैं, अपन करके यूज़ करके देते हैं, वाई इक्वल क्या होता है एम वन वाई टू प्लस के एम टू वाई वन अपन एम वन प्लस के एम टू। बात करते हैं अपन कितनी हो गई बेटा, वाई की वैल्यू कितनी हो गई पास जीरो, वाई की वैल्यू कितनी मेरे पास जीरो है, एम वन वाई टू एम वन की वैल्यू कितनी बेटा लेमडा, वाई टू कितना मेरे पास माइनस के टू प्लस के एम टू वाई वन, एम टू कितना मेरे पास वन, वाई वन कितना मेरे पास थ्री अपन एम वन प्लस के एम टू लेमडा प्लस के वन, कोई दिक्कत है बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो लैम्डा प्लस वन को मैं इस साइड भेजूंगा तो ये जीरो इंटू लैम्डा प्लस वन हो जाएगा इक्वल, ये अपने पास बच गया, लैम्डा को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के टू लैम्डा हो गया प्लस के थ्री हो गया, कोई दिक्कत है सर, ये हो गया टोटली जीरो, तो अपने पास आ गया जीरो इक्वल आ गया टू लैम्डा माइनस के प्लस के थ्री, टू लैम्डा को माइनस को मैं इस साइड भेजता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, तो टू लैम्डा इक्वल कितना हो गया थ्री, अपन को निकालना है लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा इक्वल क्या हो गया थ्री अपॉन टू, यानी थ्री अपॉन टू मैंने ये तो निकाला, तो इसका मतलब हो गया थ्री रेशियो टू में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में करेगा थ्री रेशियो टू में डिवाइड करेगा। अब मैंने शॉर्ट में क्या बताया था कि अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है कि एक्स एक्सिस ये कोऑर्डिनेट दे रखा है अपन को एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू दे रखा है, एक्स एक्सिस पे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो अपन को एक्स एक्सिस की बात करेगा तो अपन को सीधा यूज करना है किस क्या माइनस के वाई वन अपॉन वाई टू यूज करना है, यानी माइनस का साइन ये है, माइनस का साइन लगा वाई वन की वैल्यू कितनी है थ्री अपॉन वाई टू कितना है माइनस के टू, माइनस से माइनस के आंसर होगा थ्री अपॉन टू, यानी थ्री रेशियो टू, देखो आंसर सेम आ रहा है। तो आपको शॉर्ट में करना है, अगर आपको अगर कंपटीशन में कहीं क्वेश्चन को यूज़ करना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में आपको आता है तो आपको इतना नहीं निकालना, आपको शॉर्ट में ऐसे निकालना है माइनस के वाई वन अपॉन वाई टू। अगर मैं बात करूँ इसी कोऑर्डिनेट को, ये बोल दे ऐसा कि ये ही आर कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो किस रेशियो में करेगा, तब आपको सीधा ही फॉर्मूला लगाना है कौन सा माइनस के एक्स वन अपॉन एक्स टू, ठीक है बेटा समझना इस बात को। अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो वाई वन वाई अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो वाई वन माइनस के वाई वन अपॉन वाई टू, वाई एक्सिस की बात करें तो माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू, एक्स वन की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का साइन देखो माइनस का साइन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है टू, एक्स टू कितना अपने पास वन, तो माइनस के टू रेशियो वन में डिवाइड करेगा बेटा, माइनस के टू रेशियो वन में डिवाइड करेगा, समझ में बात। तो ऐसा ही है, अब एक मान लो ऐसा जाए, ऐसे अपन क्वेश्चन अपन ने टेंथ क्लास में किए थे उनको फुल ट्रिक में फुल आपको करना आता है, शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया शॉर्ट में ऐसे करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था एग्जाम टेंथ क्लास में, क्या बना था देखो अपना सेकंड क्वेश्चन अच्छा बनता है कौन सा, जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट मान लो ये पी एक्स वन और वाई वन है, सॉरी एक मिनट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने के अच्छे क्वेश्चन है, अगर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस ऐसे तो आप इनको शॉर्ट में कर सकते हो। वैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है अपने पास ऐसा देगा कि अपने पास एक पी कोऑर्डिनेट देगा दूसरा क्यू कोऑर्डिनेट देगा और इनके बीच का एक पॉइंट होगा, सॉरी इन दोनों को एक लाइन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो किस रेशियो में करेगी तब अपन को निकालना है। देखो बताता हूँ कैसे, अपन को दे रखा था ऐसे टेंथ क्लास में अपने पढ़ा था कि अपने पास एक पी कोऑर्डिनेट है, ठीक है बेटा एक्स वन और वाई वन, अपने पास क्यू कोऑर्डिनेट है एक्स टू एंड वाई टू, वो
इन दोनों को एक लाइन है, मान लो ये अपनी एक लाइन है, वो लाइन मान लो x प्लस के y प्लस के a इक्वल समथिंग जीरो मान लो, ऐसा है x प्लस के y इक्वल जीरो या x प्लस y कोई भी लाइन मान लो, ये एक लाइन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो किस रेशियो में करेगी? तो अपन वही मानेंगे लैम्डा रेशियो वन में डिवाइड करेगी। अपने पास कुछ नहीं दे रखा है रेशियो, तो क्या मानूंगा मैं? लैम्डा रेशियो वन में डिवाइड करेगी। तो ये मान लो ऐसा आएगी इक्वेशन, ऐसे मान लो ax प्लस के by, ax प्लस के by प्लस के c इक्वल जीरो, इस फॉर्म में मान लो ये लाइन हो गई। इस ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐसे by है ना, ठीक है। तो इसका शॉर्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, किस रेशियो में डिवाइड करेगी? तो इसका शॉर्ट हो जाएगा माइनस का साइन बाहर आएगा, ए एक्स वन प्लस के बी वाई वन प्लस के सी अपॉन ए एक्स टू प्लस के बी वाई टू प्लस के सी, इस रेशियो में डिवाइड करेगी। देखो निकालता हूँ, माइनस का साइन बाहर आएगा, ए एक्स वन प्लस के बी वाई वन प्लस के सी अपॉन ए एक्स टू प्लस के बी वाई टू प्लस के सी। अपन फुल शॉर्ट में करके दिखाता हूँ आपको, पहले मैं जैसे मान लो ये मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया 3 and 2, ये मान लिया मैंने माइनस के 2, मान लो माइनस के 3 and 2, 2 and -4, ऐसे मान लो, किस रेशियो में डिवाइड करेगी? तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ना, तो देखो बेटा सबसे पहले, और ये लाइन अपन को दे रखी है मान लो 2x प्लस के y प्लस के 2 इक्वल जीरो, इस ये लाइन अपने पास, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा अपन करेंगे माइनस का साइन माइनस आ गया, पहले ए एक्स वन प्लस के बी वाई वन प्लस सी, तो यानी ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे अपने पास क्या था, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल जीरो, इस था ना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 2 आ गई, एक्स वन कितना अपने पास माइनस के वन, ए माइनस के वन आ गया, प्लस के बी, बी कितना अपने पास, बी की वैल्यू कितनी है, वाई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या माना, 1 मान लिया, वाई वन कितना अपने पास, वाई वन ये रहा 2, प्लस के सी कितना अपने पास, सी अपने पास है 2, सी की वैल्यू कितनी अपने पास है 2 है, अपॉन ए एक्स टू, ए एक्स टू, ए कितना अपने पास, ए एक्स टू, ए कितना अपने पास 2, एक्स टू कितना, कितना अपने पास एक्स टू कितना अपने पास बेटा 2 है, प्लस के बी कितना अपने पास 1, वाई टू कितना अपने पास माइनस के 4, ठीक है, प्लस के सी कितना अपने पास 2। इसको सॉल्व कर दो, माइनस का साइन माइनस का 2 प्लस के 2 प्लस के 2, सही है ना, 2 को माइनस 1 से किया माइनस के 2, 1 को 2 से किया 2 आ गया, प्लस के 2 प्लस के 2, ठीक है बेटा। ये कितना 2 टू जब 4 प्लस के माइनस के 1 को प्लस के 1 से किया, माइनस के 4 को प्लस के 1 से किया माइनस के 4 और प्लस के 2, इसको क्या, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने पास करिए अब से क्या 2/2, यानी अपने पास पैसा माइनस के 2/2, ये पैसा अपने 1 रेशियो 1/1 माइनस के 1/1, माइनस करेगा इंटरनली को एक्सटर्नली को डिनोट, किसको करेगा, एक्सटर्नली को डिवोट करेगा, डिनोट करेगा। तो अगर एक्सटर्नली की बात करता है तब तो अपन माइनस रखेंगे, और एक्सटर्नली बात नहीं करें तो इंटरनली रखेंगे, क्या आएगा ओनली 1 रेशियो 1 में डिवाइड करेगा, समझे बात। अगर माइनस सिर्फ और सिर्फ किसको डिनोट करेगा, अगर अपन क्वेश्चन पूछे एक्सटर्नली डिवाइड करता है बाहर की तरफ ये लाइन, तब तो अपन माइनस रखेंगे, अदरवाइज माइनस हटा देंगे, हटा देंगे और जो बच्चे का रेशियो वो लगा देंगे 1 रेशियो 1 में डिवाइड करेंगे। अब इसको फुल ट्रिक से भी करके चेक कर सकते हो आप, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना काफ़ी है, आने वाला अपना जो लेक्चर होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, 30-35 मिनट से ऊपर होगा, एक पीरियड का पूरा होगा। तब तक ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ओके, थैंक यू।